To the world, you're a dad. To the family, you're the world. My dad has proudly served the Air Force for 35 years, each year better than the previous one. He has had many achievements during his career. Two of his greatest achievements were Tamghay Imtiaz Military and Sitare Imtiaz Military. He has been following his father's footsteps since childhood. Like his father, who had achieved Sitare Bisalat Military and Sitare Imtiaz Military. His brother, Dr. Khalid, has also been awarded with Tamghay Imtiaz Military, so the legacy has been carried well by the sons. Now I would like to show you all an interview in which he explained many of our questions, and that interview will be followed by the retirement party we planned for our dad. Hopefully you enjoy. Thank you. Baap Air Force mein kyun gaye jabki aapke baba aur sara khandan army mein tha? यार मैंने तो सबसे पहले एयरफोर्स में भी अप्लाई कर दिया और आर्मी में भी अप्लाई कर दिया और बाबा का ख्याल था कि आर्मी में जाना चाहिए। वैसे मैं तो शुरू से मुझे जहाज़ बड़े अच्छे लगते थे तो मेरा ख्याल था कि मैं एयरफोर्स में चला जाऊं। तो मेरी मामा ने कहा कि एयरफोर्स में जाना है तो मेरी मामा ने मेरा साथ दे दिया और मैं एयरफोर्स में चला गया। अच्छा तो आपका एयरफोर्स में सबसे किस तरह प्राउडेस्ट मोमेंट क्या था? सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट आई थिंक जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और जब मेरी पासिंग आउट थी तो वो मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट था। मैंने उस वक्त अचीव कर लिया। अच्छा तो अब आते हैं थोड़ा सीरियस क्वेश्चन की तरफ। तो दैट वन डिसीजन व्हिच कम्प्लीटली चेंज द सिचुएशन कोई है? आई थिंक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ओके फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द डिसीजन वॉज टेकन आइदर टू गो इन आर्मी और एयरफोर्स। तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग चेंज हो गया और एक्सक्यूज़ मी तो वहाँ पे डिसीजन ये हो डिसाइड हो गया कि मैंने एयरफोर्स में जाना है। दैट वाज द डिसीजन मेकिंग टाइम। रोल ऑफ योर पेरेंट्स इन योर लाइफ। ओके माय पेरेंट्स हैव अ ग्रेट रोल in my life starting from the beginning। sabse pehle to air force ka decision parents ne diya, then they helped me out during that aur sabse badi baat throughout unhone buzurgon ki to dawaiyan saath hoti hai na, to throughout dawaiyan unki saath thi और इस वजह से पेरेंट्स का रोल तो फिर थ्रू आउट साथ रहा। ओके फनीएस्ट इंसिडेंट एंड द सिलीएस्ट मोमेंट ड्यूरिंग योर कैडेटशिप। ओके तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फनीएस्ट मोमेंट ओके आपको वैसे ये नहीं पता होगा फनीएस्ट मोमेंट तो ये सरगोधा कॉलेज का जिक्र है एक दफ़ा का कि हम लोग कैडेटशिप में थे तो हमने वहाँ पे क्या किया कि वीकेंड पे हमने कहा कि हमें बहुत भूख लगी हुई है और हमने बाहर जाना है और हमने कुछ जो है खा पी के आना है, तिक्के खा के आने हैं सरगोधा में। तो हमने कहा कि हम तिक्का पार्टी करेंगे जाके बम चौक में, बम चौक में जाना था हमने। हाँ लेकिन इशू ये था हमारे साथ कि हम कैसे जाएं, वो बहुत दूर था और पैसे भी नहीं थे हमारे पास और लोग थे हम ज़्यादा। तो उस दिन फिर एक तो हमने बंक मारा, रात के टाइम बाहर निकल गए तिक्के खाने के लिए। फिर एक हमें वहाँ पे अंकल मिल गए रक्षा ड्राइवर। अब उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कहा कि हम सारों ने जाना है और पैसे भी थोड़े हैं और रक्षा भी एक ही है भी दूर है। तो हम लोग थे टोटल 11 कैडेट्स
और सारे मिक्स थे तकरीबन, और हम सारे के सारे एक रक्शे में बैठे। यू कैन इमेजिन के एक रक्शे में 11 लोग कैसे बैठते होंगे। आधे बाहर लटक रहे थे, आधे गोदों में बैठे हुए थे, आधे आगे बैठे हुए थे, लेकिन हम 11 बंदे बैठ के चले गए और हम तिक्के खा के आए वहाँ पे। How do you feel after serving your country for 35 years? Okay, I think this is a very interesting question. As well. Yeah. I think I feel very proud. I have served for 35 years to the country. Aur sabse mazey ki baat ye hai ki I am very much satisfied. बड़ा अच्छा रहा, बहुत सीखा, बहुत लर्न किया, बहुत डिलीवर किया, और एंड ऑफ द डे यस हमने जो हो सकता था वो हमने डिलीवर किया। दैट वाज द सेटिस्फैक्शन बिहाइंड। क्या हुआ? तो आप इतने साल एयरफोर्स में रहे, तो इस सारे करियर के दौरान और इस सब के दौरान किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया और आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? ओके, द इंस्पिरेशन, बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे बाबा की थी, और शुरू से उनको मैं फॉलो कर रहा था, और जो ऐसे उन्होंने मुझे सिखाया तो मैं हर चीज़ में उन्हें फॉलो करता था। दैट वाज़ दी बिगेस्ट इंस्पिरेशन। अच्छा, तो आपने इतने साल एयरफोर्स में गुजार लिए, अच्छे अच्छे साल रहे थे, बीच में पूरी फैमिली आ गई थी, तो आप अपने इस एयरफोर्स के पूरे करियर को किस तरह समअप करेंगे? ओके, एयरफोर्स में हैं टोटल 35 इयर्स, बट स्टिल आफ्टर रिटायरमेंट इट इज़ स्टिल एयरफोर्स फैमिली, तो ये तो चलता रहेगा एंड तक। एयरफोर्स फैमिली तो कंटिन्यू करती रहेगी, और आई थिंक अगर मैं इसको सम अप करूँ तो आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव गेन्ड अ लॉट, और मैंने बहुत सीखा, और बीच में फैमिली की एंट्री आहिस्ता आहिस्ता होती गई। पहले मामा की एंट्री हो गई, फिर ताहा की एंट्री हो गई, फिर वहाज की एंट्री हो गई, और आखिर में रानिया की एंट्री हो गई। सो देयर वर सो मेनी एंट्रीज, और बड़ा मज़ा आया, और हमने जो है खूब इंजॉय किया, और करते रहेंगे, और घूमते फिरते रहे, और इंजॉय करते रहे। थैंक यू। Every day people do every day things, but I can't be one of them.
can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself standing in the distance. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name, cause there's gonna be a day when you're